कमाल है, नाम तो आपने सुना ही होगा, द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द माउंटेन्स। लार्ज एंड पावरफुल, ब्यूटिफुल बट ब्रूटल, ये इतने खूबसूरत हैं जैसे मानो कोई सपना हो। हाँ जी, एक सपना। ये हिमालय की दुनिया ना जादू ही है दोस्तों, मैजिकल। और इस मैजिकल दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूं मैं अपने दो बच्चों के साथ। तो आओ ले चलूं मैं आपको एक ऐसी जगह जो है झूठ और सच के परे, जहां पे ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, जहां पे ना कोई ताकतवर है ना कोई कमजोर। एक ऐसी जगह जहां पर खोए हुए लोग, हाँ जी आपके भाई की तरह, जहां पे खोए हुए लोग अक्सर खुद को ढूंढ लिया करते हैं। वेलकम टू दार्मा वैली। हाँ जी, इन दोनों बच्चों की मस्ती देख रहे हो? ये मस्ती देख के आप सोच रहे होगे कि हम कहाँ हैं। तो हम हैं हिमालयास की गोद में बसी एक ब्यूटीफुल सी घाटी में, जिसका नाम है दार्मा। पर हम यहाँ कैसे पहुंचे ये तो आप सोच ही रहे होगे। तो ये जानने के लिए कि हम यहाँ कैसे पहुंचे, आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। तो हुआ यूं कि मई 2018 में हम पहली बार दार्मा गए। वहां जब पहुंचे तो जैसे मेरे दिमाग के जंपर ही उड़ गए। मेरे घर के पास इतनी मैजिकल जगह और मुझे पता ही नहीं, मतलब यार लिटरली। ये देखो, ये रहा हमारा उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के बीच में पिथौरागढ़, और ये पिथौरागढ़ के बगल में हिमालयास, और इन हिमालयास के बीच में ये छोटी सी दार्मा। तो जिस दिन मैं दार्मा से वापस आया, उसी दिन वहां वापस जाने का प्लान बनाने लगा। और देन फाइनली सितंबर 2018 मेरा प्लान बन गया, ऑफ कोर्स विद माय बेस्ट फ्रेंड्स। तो मेरे दोस्त आ रहे थे दिल्ली से और मैं उनको मिलने वाला था नैनीताल, जो कि मिडवे। पर जब मैं घर से निकल रहा था ना, तो मैक्स देखो क्या कर रहा है। कहाँ बैठा है तू? मैं सूटकेस से बैठा ना तू? मैं की पैकिंग कैसे करूँगा मैं? जगह खाली करो। गुड बॉय, गुड बॉय। खैर, मैक्स की क्यूटनेस के बाद हम निकले नैनीताल के लिए। और रास्ता क्या सुंदर लग रहा था नैनीताल का। चलते चलते अराउंड 6 घंटे बाद हम पहुंचे नैनीताल। और नैनीताल, नैनीताल क्या लग रहा था नैनीताल, मैजिकल। I get a little bit breathless, my thoughts are too big, can I get some comfort please? I guess I should have been honest, a break to my heart, it's weighing me down baby. I'm like a river that's overflowed, the sooner you know it, the less do we hurt. Dekha aapne, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है नैनीताल। पूरी लेक एकदम कोहरे में डूबी हुई। और उस दिन ना एक और चीज़ थी जिसने हमारे इस ट्रिप की स्टार्टिंग को बहुत स्पेशल बना दिया। उस दिन वहाँ पे मेला लगा हुआ था, हर जगह लाइट्स ही लाइट्स, बहुत ही अमेजिंग। क्या वाइब्स थी इस जगह की। ये म्यूजिक सूट नहीं कर रहा है सिचुएशन को। एक्चुअली मेले के मजे ना आपको आवाज के साथ आएंगे। खैर, मेले से निकल के हम लोग अपने रूम पे गए और सो गए, और सुबह हम निकल पड़े वापस पिथौरागढ़ के लिए।
करीबन 6 घंटे में हम पिथौरागढ़ पहुंच गए। और पिथौरागढ़ पहुंचते ही सबसे पहला काम मैक्सी और गोष्ठी से मिलना। नेक्स्ट डे हम जाने वाले थे दारमा, और एक्साइटमेंट में पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीत गया और कैसे नेक्स्ट डे आ गया। हाँ जी, तो सीन ये है कि हमने करी है टैक्सी, और टैक्सी में अब हम अपने बच्चों को लोड करने वाले हैं। चाची बाय। भाई बहुत एक्साइटेड तुम्हें पता है बन। देख लो महाराज। नमस्ते बुआ जी। कैसे हैं? मैं भी तो उसकी दुकान से जल्दी आ रहा हूं। ठीक है बुआ जी। ये छाता ले जाओ, वहां पर बारिश का मौसम है। मैक्स ब्रो आगे वाली आगे वाली है। गो से बात नहीं है। चलो हमारे कुत्ते लोड हो चुके हैं। ये पीछे देते हमारे दोनों हीरो हो गए हैं लोड। अब हम जा रहे हैं दारमा वैली। तो हम निकल पड़े दारमा के लिए, और ये रहे वो हिमालय जहां हम जाने वाले थे। क्या स्टार्ट है जर्नी का। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि हम थे 7 लोग, ड्राइवर भैया को मिला के 8 और मैक्स और गोस्ट को मिला के 10। अब 2 गाड़ी तो हम कर नहीं सकते थे, मजा ही नहीं आता। तो एक ही गाड़ी में हम ठुस के बैठ गए, और जो सिचुएशन थी ना क्या बताऊं मैं। हमारी जगह बहुत टाइट है, ये देखो। और ये हमारे दोनों हीरो वॉक अच्छा सा बैठा पीछे। देखो स्टैग और सुबह आए मक्की मक्की धारचूला पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई। यहाँ पे हम KNVM के गेस्ट हाउस में रुके थे, और फिर गोष्ठी को बाहर लेके तो जाना ही है। सो वी रीच धारचूला एंड प्लीज गाइस, गोष्ठी रास्ते के बीचों बीच क्या कहेंगे लोग। हैं देखो यार, ये दोनों इतने अमेजिंग हो चुके हैं ना आजकल ट्रैवल करने करते हुए, बिल्कुल परेशान नहीं करते यार। 4 आवर्स लंबी जर्नी थी, बिल्कुल बम्पी राइड, बिल्कुल परेशान नहीं किया, बिल्कुल परेशान नहीं किया इन्होंने। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग हियर इन धारचूला। वी गाइस जस्ट वोक अप एंड इन एन आवर वी लीव फॉर दुकतुक। हाय गोस्ट, गुड मॉर्निंग। ओए ओए, तमीज नहीं तुम्हें? सो हम लोग अभी धारचूला में। धारचूला इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। तो आप अगर देखेंगे ये नदी है, ये बेसिकली पार्टीशन है। तो इसके बियॉन्ड आप देखोगे तो नेपाल है, और इसके इस तरफ इंडिया है।
ये जो पहाड़ घर आपको दिख रहे हैं नेपाल है, यहाँ से हम लोग अब दुकतुकले निकलेंगे। सीन ये है कि दुकतुक यहाँ से 4 घंटे दूर है, ठीक, पर प्रॉब्लम है कि बीच में पुल है जो बह गया है बहुत तेज़ बारिश की वजह से, तो हमें बीच में डिटोर कर लेना पड़ेगा। सो लेट्स होप आराम से पहुँच जाए हम लोग। बाकी हल्की भी पोस्टेड मैक्स तो बहुत मज़े कर रहा है, गोश अंदर घूम रहा है। सो वी आर जस्ट अबाउट टू लीव फ्रॉम हियर। जब भी आप ट्रैवल करते हो आप ध्यान रखो कि अपने डॉग्स को ना सुसू ज़रूर करा लेनी है, क्योंकि रास्ते पर फिर आपको परेशान करेंगे। और जब आप लोड करते हो उन्हें अच्छे से गाड़ी में बिठाते हो, फिर उसके बाद चेंज करना पॉसिबल होता नहीं है। तो हमारी गाड़ी आ गई और हम फाइनली निकल रहे थे दुकतुक के लिए, पर इस बार हमारी गाड़ी में 2 लोग और एक्स्ट्रा थे जो हमारे साथ दारमा जाने वाले थे। अब समझ ही जाओ आप लोग क्या हाल हुआ होगा हमारा। भैया को इनके साथ बैठना, भैया की फटी पड़ी है, इनको क्या पता हमारे बच्चे कितने समझदार है। मैक्स ऑल कूल सब ठीक है? मैक्स गोस्ट सही है? हाय गोस्टी, है जगह पैर रखने की? अरे वो सही तमाशा हो रहा है। कोई नहीं सही है, बढ़िया। सौरभ ने मेरे को बोला कि पीछे कुत्ते बैठने वाले हैं, मुझे नहीं पता था मेरे को पीछे बैठा देगा। तो हम लोग निकल गए और गाड़ी पूरी पैक्ड है, हवा भी नहीं घुस सकती अभी तो। अरे कैसे बैठा हूँ मैं, और ये हमारे आगे के हालात टाइट ही चल रही है। पता है जगह हो या ना हो, कुछ माहौल ही ऐसा हो जाता है ऐसी ट्रिप्स पे कि आप सब एडजस्ट कर लेते हो, खास तौर से जब इतने प्यारे बच्चे हो आपके साथ। और बस यूं ही हमारा सफ़र शुरू हुआ, और क्या मज़े आए सफ़र में हमें, आओ दिखाता हूँ आपको। To you, the best dog father in the world, that is me, because मेरे साथ जो हो रहा है अभी, इसके बाद मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। ये मेरे को सोफा समझ रहा है मेरा बेटा, ओ बेटा, ओ भगवान, मैं इसने पैर को दिल जगह रखा हुआ है, इसको अंदाजा नहीं है अभी, मतलब मम्मी नहीं चाहिए मेरे को। मैक्स का फिर भी ठीक है, और गोस्ट को देखना कैसे बैठा हुआ है, उसकी सारी पूंछ के बाल ना मेरे मुंह के अंदर जा रहे हैं। मतलब पोज कर दे, ऐसे मत कर, देख कितना बड़ा वाटरफॉल देख। मैक्स वाटरफॉल मैक्स, ये दोनों तो मार रहे हैं टशन, ठीक है, ये तो कुंडी बाहर निकाल के, और देखो टशन का सच्चाई क्या है। ये देखो पकड़ के रखा मैंने, वो मैं हूँ ना मूवी में, नहीं होता पीछे धागे से बात होता है, सेम सिचुएशन है। ये अब मैंने अपनी हालात सुधार लिए हैं, क्योंकि मैंने इन दोनों को आपस में बात की। ये रस्सी से भाई साहब, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों आपस में बच चुके हैं, और मेरी लाइफ हो गई अब थोड़ी सी सॉर्टेड। जैसे हम थोड़े से कंफर्टेबल हुए, हमें लग रहा था हम बहुत आराम से दार में पहुंच जाएंगे, पर पता लगा कि आगे एक पुल है जो कि बह चुका है और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। गांव वाले टेम्प्रेरी रास्ता बना रहे हैं, तो बस ये सुनते मेरी तो फट गई, और फिर देखिए क्या हुआ आगे। तो सीन ये है कि पुल रह गया है, हमें ये जो लकड़ी का पुल आपको दिख रहा है सामने,
ये आपको दिख रहा है ना, इससे क्रॉस करना है और मेरे को बहुत डर लग रहा है क्योंकि इन दोनों को लेके जाना, उसमें रेलिंग भी नहीं है और इसका स्लो देख रहे हो आप रिवर का, शिट मैन। और गोस तो वही एज यूजुअल अपना पोज। आवाज़ सुन रहे हो आप इस नदी की, कितनी डरावनी है। और मैक्स और गोस्ट बेचारे इतना डर रहे थे ना इस आवाज़ से। मैक्स को पानी पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे पानी पसंद है। और मैं इतना घबराया हुआ था यार, एक लकड़ी का ढीला ढाला सा पुल है वो, आदमी भी उसमें चल रहा है ना, तो इतना संभल के चलना पड़ रहा है। और कहाँ ये दोनों बच्चे, हल्की सी गलती से अगर नदी में कोई गिर गया तो मिलेगा भी नहीं कभी। और इतनी घबराहट मेरे को हो रही थी ना, पता नहीं कैसे ही हमने ये पार करने वाले थे। पर ये जानने के लिए कि हमने पुल कैसे पार किया, आपको वेट करना पड़ेगा अगले एपिसोड तक का। सो दोस्तों, ऑन दिस नोट, द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट।